दोस्तों, आपने सूर्पणखा के बारे में तो काफी कुछ जानते होंगे, पर अभी भी ऐसे कई रोमांचक तथ्य हैं जो इस कैरेक्टर को और भी रोमांचक बनाते हैं। सूर्पणखा का अर्थ होता है जिसके नक्श यानी कि नाक सूख के समान हो। और क्या आप जानते थे कि जहां पर सूर्पणखा की नाक कान काटे गए थे, उस जगह का नाम ही नासिक पड़ा सूर्पणखा के ऐसे ही रोमांचक तथ्यों को लेकर। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और साथ ही ऐसे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे यम लोक गाथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, वैसे तो लोगों में सूर्पणखा की छवि एक राक्षसी कामी से नरसंहार करने की होने के कारण घृणा की दृष्टि से उसे देखा जाता है, लेकिन जब करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी आर्षि मुनियों को भगवान के दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता है, तो इसने तो उनके दर्शन करने के साथ ही उनसे बातें भी की है। और भगवान श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से बात करवाकर जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करा दिए। तो आखिर उसने ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे, ये सोचने वाली बात है। दरअसल पूर्व जन्म में सूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नाम की अप्सरा थी और उर्वशी रंभा मेनका इन प्रमुख अप्सराओं में से इसकी गिनती होती थी। नयनतारा नृत्य के साथ ही आंखों से भी बहुत सुंदर इशारे किया करती थी और आंखें भी बहुत सुंदर थीं, जिसके कारण वह इंद्र की प्रेयसी बनी थी। उसी समय में पृथ्वी पर वज्र नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे, जिनकी तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने ही नयनतारा को पृथ्वी पर भेजा था। परंतु वज्र की तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया था, जिसके बाद ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्र ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देहत्याग के बाद सूर्पणखा राक्षसी बन गई। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि प्रभु दर्शन होने पर उन्हें प्राप्त कर लेगी। राक्षसी होने के कारण उसके पास रूप बदलने की शक्ति होने से वह सुंदर मोहक रूप लेकर श्री राम के पास चली गई और गलती कर बैठे। पर ब्रह्म प्रभु को भक्ति और वैराग्य से ही प्राप्त किया जा सकता है, मोहक रूप दिखाकर नहीं। और सूर्पणखा सीधा श्रीराम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी, फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए श्रीराम ने उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी के पास भी भेजा, ताकि प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया उसे जांच हो सके। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि पूर्व जन्मों में सूर्पणखा एक सर्पिणी थी, जो कि शेषनाग यानी कि लक्ष्मण जी की पत्नी भी रह चुकी है, इसीलिए भी श्रीराम ने उसे लक्ष्मण जी के पास भेजा था। पर जो भी हो, सूर्पणखा जैसी गलतियां तो हम भी कई बार करते हैं, जैसे मंदिर में जाने पर अगरबत्ती का खाली पैकेट हो, या फिर नारियल माला, या प्रसाद की पॉलीथिन, या फिर माचिस की तीली, ये सब मंदिर परिसर से बाहर किसी डस्टबिन में डालने की जगह मंदिर में ही कहीं पर भी फेंक देते हैं। गेट हो या फिर कहीं पर भी अगरबत्ती लगा देते हैं और कहीं पर भी दीपक लगाते हैं। इस तरह के 32 भागवत अपराध होते हैं, जिनमें से एक भी अपराध से भगवान की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरह से लक्ष्मण जी ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो नहीं आ सकता, तो उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिए। अब इसके बाद भी उसने गलती कर दी और सोचा कि प्रभु भक्ति के वश में है, तो मैं इस भक्ति को खा जाऊं, इसे नष्ट कर दो, और सीता माता के पास गई। और इस प्रकार गलती करने से लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट दिए और उसे अंग भंग कर दिया। और उसी समय पर सूर्पणखा की आंख खुल गई और पूर्व जन्म की याद भी आ गई, और तभी उसने प्रभु के कार्य को पूरा कराने के साथ ही एक तरह से उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवाकर उनका भी उद्धार करवा दिया और एक तरह से पूरे कुल का लाभ करवा दिया। और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुरस्कार जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। और बताया जाता है कि सूर्पणखा की 10,000 वर्ष की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे दर्शन दिए और यह वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्रीराम अवतार लेंगे, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें श्री कृष्ण भगवान आशीर्वाद देंगे और तुम्हारी कुबडदीएच ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे और सारी सुख समृद्धि के साथ ही ईश्वरीय लीला का लाभ भी तुम्हें मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।